ओम शांति सभी को बाबा के मीठे घर में आकर के अपना श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त करने का गोल्डन चांस मिला ये गोल्डन चांस बहुत ही सहयोग देने वाला है क्योंकि मधुबन में जब हम सभी आते हैं तो हमारे ऊपर कोई विशेष जिम्मेवारी दिमाग चलाने की नहीं होती सोचने की नहीं होती है ये करना है ये नहीं करना है कैसे करूं क्या करूं बच्चों को पालना है धंधा संभालना है रोटी का तैयारी करनी है कमा के कई जिम्मेवार प्रवृत्ति में रहते होती है लेकिन मधुबन के जो चार पांच दिन हम सबको मिलते हैं ये बहुत महान दिन है हम सभी को यही कहते हैं कि आप ये पांच दिन नहीं समझो लेकिन हमारे कई वर्षों की कमाई के दिन है जिम्मेवारी नहीं है कोई भी आपको क्या करना है सोने का स्थान आपको फिक्स होके मिल गया खाने का स्थान आपको मिल गया आपको बना बनाया खाना मिलेगा काम कुछ नहीं करना है बस काम यही है बाबा को याद करना और कोई ज़िम्मेवारी आपकी क्या है तो इतना दिमाग हमारा खाली है उसमें हम कितनी कमाई कर सकते एक सेकंड भी मधुबन का व्यर्थ नहीं जाना चाहिए क्यों एक ही तो काम है और एक ही को याद करना है कोई दस पंद्रह को याद नहीं करना है दस पंद्रह को याद करना है तो कभी भूल भी जाता है जैसे भक्ति में कई मंदिरों में हनुमान को भी याद करते हैं गणेश को भी याद करते हैं कभी कोई भूल जाता है कभी कोई याद आ जाता है हमको तो एक ही को याद करना है एक ही काम मिला हुआ है मधुबन में और कोई काम नहीं तो कितना सफल करना चाहिए ये पांच छह दिन जितनी भी कमी हमारे में हो वो सभी भर के जानी चाहिए क्योंकि यहाँ वायुमंडल की बहुत मदद है वायुमंडल की मदद है संघ की मदद है वाइब्रेशन कितना अच्छा है और कोई बातें नहीं है तो ये जो हमको मधुबन में सहयोग मिलता है उस सहयोग का लाभ जरूर लेना चाहिए लेकिन अगर थोड़ा भी कम किया हो ना जब तक आप जाओ तब तक भी सफल कर दो एक एक सेकंड एक एक मिनट तो आपको बहुत फायदा हो कोई भी बात आपको व्यर्थ आवे तो जैसे कोई बहुत बिजी होता है ना तो क्या करता है जरूरी काम में बहुत बिजी होता है कोई और कोई आवे उससे मिलने या बात करने तो वो क्या सोचता है उसको कहेगा अभी मेरे को फुर्सत नहीं है फिर मिलेंगे तो ये दिन जो हमको मिले हैं उसमें अगर कोई भी व्यर्थ संकल्प आवे या कोई भी समस्या आवे उसको हटा देना चाहिए अभी मैं बहुत बिजी हूं मुझे एक एक सेकंड की कमाई जमा करनी है तो बिजी होने के कारण वहां अटेंशन नहीं देंगे खाली मनुष्य होता है तो छोटी छोटी बातों में अटेंशन जाता है नचाएते भी जाता है लेकिन जब बिजी होते हैं तो छोटी छोटी बातों में टाइम वेस्ट नहीं करता है या व्यर्थ संकल्पों में समय नहीं देता है ऐसे आप सभी ने मधुबन का लाभ उठाया है उठाया है। जिसने उठाया पूरा वेस्ट नहीं किया वेस्ट में लगाया कोई भी तरफ बुद्धि योग नहीं गया इतना अटेंशन दिया लेकिन वास्तव में ये भी एक बाबा की कहते ना सतगुरु है ना बाबा तो बाबा कितना प्यार हमको करता है जो हमको ये गोल्डन चांस देता है अच्छा आओ बच्चे आओ आराम से रहो खाओ पियो और याद करो तो ये चांस कोई कम नहीं है ये दिन हमको आगे चल के बहुत याद आएंगे कि मैं मधुबन में गया गई लेकिन जितना करना था उतना नहीं किया तो क्या याद आएगा वो टाइम तो बीत जाएंगा टाइम तो ये फिर ये पांच दिन आपको फिर से मिलेंगे क्या अगर मिला भी दूसरे वर्ष में टर्न तो भी दूसरा हो जाएगा ना ये दिन तो चले गए ना हाथ से इसीलिए अभी भी एक दो दिन जितने भी हो ना आप इसमें ये पूरा लाभ उठाना कोई भी बात आवे जैसे देखो हम यहां बैठे हैं कोई मक्खी आके बैठ जाए तो मैं क्या करूंगी ऐसे ऑटोमेटिकली मेरा हाथ चलेगा उसको भगाऊंगी कि सोचती रहूंगी मक्खी आई क्यों कहां से आई आना नहीं चाहिए इतनी ताकत कैसे रखी मक्खी ने ये सोचेंगी क्या भगाएंगी ना तो इसीलिए कोई भी संकल्प व्यर्थ आवे आपके पास उसको ऐसे भगाओ जैसे कोई मक्खी मच्छर को भगाते क्योंकि बिजी है ना आप आपको बहुत काम करना है इन पांच दिनों में अपनी काफी समय की कमाई जमा करनी है क्योंकि यहां मदद है कितनी मदद है और दादियों की देखो अमृत वेले हमारी दादी कितनी मेहनत करके सभी को आकर के मिलती है मुरली सुनाता है बाबा तो इतनी जो दादियों की भी पालना मिलती बाबा की भी पालना मिलती वायुमंडल मिलता वाइब्रेशन मिलता संघ कितना अच्छा है संघ का रंग तो लगता है ना तो मैं तो आपको यही कहूंगी कि मधुबन से इतने भरपूर होके जाओ जो फिर खाली हो ही नहीं क्योंकि खाली चीज जो होती है ना वो हिलती है जो भरपूर होती है वो हिलती नहीं है पैकिंग भी करते हैं तो देखो कहा भी कोना खाली होता है ना उसको ठीक टाइट कर देते हैं तो भाई कोई भी चीज जो पड़े हिले नहीं तो आप भी अपने बुद्धि को इतना टाइट कर लो फुल बढ़ दो जो मन हिले नहीं क्यों मन के लिए तो बाबा ने कह दिया है आप कहते ही हो मेरा मन मैं मन अशांत हूं कभी भी नहीं कहते मेरा मन कहते हैं जब वो मेरा है तो जैसे ये हाथ मेरा है मैं हाथ को यहां करूं यहां करूं यहां करूं मालिक होना वैसे मन भी भले सूक्ष्म है ये स्थूल है मोटा है थोड़ा लेकिन है तो मेरा ना जब मेरा मन हम कहते हैं तो मेरे पर तो आपका अधिकार है तो मेरे पर अधिकार रीति से अधिकार रखो ऐसे नहीं मन मेरे को चला रहा है क्या करूं मेरा विचार ऐसे आ जाते हैं ना मन मानता नहीं है ना समझता भी हूं श्रीमत पर चलू लेकिन मन नहीं मानता है ना मेरा और मानता नहीं अगर मेरा है तो उसकी मैं मालिक हूं ना तो जैसे मैं चाहू बाबा बहुत अच्छे शब्द बोली में बोलते हैं तो मन के मालिक हो तो जब चाहो जहां चाहियो, चाहो जितना समय चाहो वहां मन को ठहरा सकते हो क्योंकि मेरा है और सारे दिन में आप देखो अगर बुद्धि योग हिलता भी है तो मेरे में ही तो हिलता है ना आपका मन क्या याद आता है चाहे मेरा शरीर याद आवे चाहे परिवार याद आवे चाहे धंधा दौरी याद आवे चाहे देह चाहे देह के पदार्थ चाहे देह के संबंध कोई भी टाइम आप देखो मन जाता है तो जाता मेरे में ही है लेकिन मन मेरा है जाता है मेरे में मन जाता है लेकिन मन है किसका मेरा है इसलिए मैं मालिक हूं तो जहां भी हम चाहें वहां मन को लगाऊं और बाबा ने कोई ज्यादा काम तो दिया ही नहीं है सिर्फ यही कहा है जब प्यार है कोई भी बाबा हाथ उठवाता है बाबा से प्यार है सबका चलो योग और ज्ञान की बात छोड़ो लेकिन बाबा से प्यार है ये तो कोई भी नहीं कहेगा कि बाबा से प्यार नहीं है अगर बाबा से प्यार नहीं होता तो आते क्यों और जिससे प्यार होता है उसको याद करना मुश्किल होता है या भूलना मुश्किल होता है कोई भी चीज मुझे बहुत प्यारी है तो मेरे को उसको याद करना मुश्किल होता है क्या छोटी सी चीज भी हमको होगा प्यार होगा तो भूलने चाहते हैं तो भी नहीं भूलते जैसे देखो परमाण है हमको शरीर भान में तेसठ जन्म से हम आ गए बॉडी कॉन्शियस जिसको कहते हैं तो योग में भी बैठते तो भी बॉडी कॉन्शियस में आ जाते है क्यों <coughs> जब चाहते नहीं है फिर भी बॉडी कॉन्शियस में देह भान में क्यों आ जाते हैं कारण क्योंकि बॉडी से प्यार हो गया है लगाव हो गया है तो लगाव होने के कारण आप नहीं चाहते हो तो भी याद आता है ना भूलना मुश्किल है ना याद करना मुश्किल नहीं है भूलना मुश्किल है बॉडी बॉडी कॉन्शियस को भूलना मुश्किल हो गया है क्योंकि उससे प्यार है ऐसे ही बाबा से अगर हमारा प्यार है तो बाबा को याद करना सहज होना चाहिए भूलना मुश्किल होना चाहिए मन कहाँ जाए अभी अभी गीत सुना बाबा ही मेरा संसार है तो मन कहा जाता है संसार में देह है संबंध है पदार्थ है यही तो जाता है अभी बाबा ही मेरा संसार है ये तो अलग अलग चीज है देह अलग है संबंध अलग है पदार्थ अलग है अनेक है जब बाबा ही एक मेरा संसार हो गया तो एक ही संसार को याद करना सहज है ना मुश्किल थोड़ी और बाबा ने पाठी ही एक दिए है बस मुझे याद करो कोई भी मोरली देखो लेकिन याद क्यों नहीं आती है गलती क्या करते हैं हम बाबा से रूह डयान करेंगे बाबा आपने मुझे ये कर दिया आपने ये बना दिया ये बना दिया लेकिन कौन रूह डयान कर रहा है देव भान में रूह डयान कर रहा हूं या आत्मक रूप में स्थित होके कर रहा हूं मैं बाबा बाबा कह रहा हूं बाबा आपने मुझे बहुत बदल लिया बाबा आपने मुझे बहुत वर्षा दे दिया बाबा आप बहुत मीठे हो कौन बोल रहा है किसका बाबा है क्या शरीर का बाबा है कोई का पिता हो वो ही पित बच्चा अगर उसके पिता को कहता है पिता तो वो सुनेगा ना अगर बच्चे का पिता है ही नहीं और कहे पिताजी पिताजी आप मेरी बात सुनो वो सुनेगा कि है ही नहीं ना उसका पिताजी ऐसे ही हमारी गलती ये होती है कि हम बाबा को याद तो करते हैं लेकिन आत्मा होकर के करते हैं आत्मा का पिता परमात्मा है देह का पिता नहीं है देह भान में हम हैं और बाबा बाबा कह रहे हैं बाबा सुनेंगे ही क्यों है ही नहीं ना वो बाबा देह का इसीलिए कई भाई बहन कहते हैं हम बाबा से बातें तो करते हैं लेकिन जवाब नहीं मिलता है हमको क्यों जवाब मिलेगा जो तुम्हारा बाबा होगा वो जवाब देगा ना शिव बाबा क्यों जवाब देंगे वो है ही नहीं आपका इसीलिए ये चेक करो कि जिस समय हम बाबा को याद करते हैं तो पहला फाउंडेशन है मैं आत्मा हूं और आत्मा परमात्मा को याद करती पहले ये सारा दिन याद रहता है कि मैं आत्मा हूं आत्म अवमानी बन के परमात्मा को याद करते हैं मुरली आपने सुनी होगी हर मुरली में बाबा यही कहता है आत, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो पहले आत्मा कहता है फिर कहता है मुझे याद करो या शार्ट में बाबा मुझे याद भी कहता है लेकिन किसको कहता है बा परमात्मा बात करता ही हम आत्माओं से बाबा जब कहते हैं मीठे मीठे बच्चे रोज कहता है किसको कहता है शरीरों को कहता है मीठे मीठे बच्चे आत्मा को कहता है तो गलती हमारी ये हो जाती है हम दूसरों को देखो प्रदर्शनी में मिसाल देते हैं इस तार का भाई तार का तार से कनेक्शन आपको जोड़ना है तो क्या है पतली सी तार है तार से कनेक्शन मिनट में जोड़ सकते हैं करंट आ जाएंगी लेकिन आप रबर उतारो ही नहीं और कनेक्शन सारा दिन करते रहो करंट आएंगी क्या गलती क्या है रबर उतारा नहीं ऐसे ही अगर मैं आत्मा अपने को समझ के परमात्मा को याद नहीं करती तो रबर आपने उतारा नहीं क्यों नहीं सारा धन शिव बाबा शिव बाबा शिव बाबा मैं तेरा मैं तेरा कहते रहो वो तो जैसे वो राम राम कहते हैं मरा मरा हो जाता है वो क्या हुआ उससे क्या फायदा हो? लेकिन मैं आत्मा हूं आत्मा समझ के परमात्मा पिता को याद करो फिर देखो सेकंड की बात है क्योंकि आत्मा के लिए स्वयं परमात्मा के और कुछ है ही नहीं आप सोचो अच्छा अभी शरीर से परे हो के आत्मा रूप में स्थित हो जाओ और सोचो आत्मा के लिए और है ही कौन स्वयं परमात्मा के कुछ है ही नहीं क्योंकि आत्मा का सब कुछ है ही परमात्मा प्राप्ति भी परमात्मा से है आत्मा को संबंध भी आत्मा का परमात्मा से है चाहिए क्या प्राप्ति और संबंधी तो मुख्य होता है दुनिया में वो आत्मा का है ही परमात्मा से और किसे है ही नहीं तो पहले ये चेक करो गलती हमारी ये हो जाती फिर ऐसा हो जाता है जैसे भक्ति में कीर्तन करते रहते हैं बातें करते रहते हैं ना वैसे हो जाता है वो जो सुख मिलना चाहिए शक्ति मिलनी चाहिए जो शक्ति हमको माया जीत बनावे वो नहीं मिलेंगे हाँ टाइम पास हो जाता है बुरे से अच्छा टाइम होता है और बातें सोचने से और बातें कहने से वो सिर्फ फर्क पड़ जाता है बाकी प्राप्ति नहीं होती तो आत्म अभिमानी बनना उसके लिए कई भाई बहने कहते हैं काम काज में जाते हैं ना तो भूल जाता है वैसे याद ठीक रहता है इन काम काज में लग जाते है ना तो भूल जाता है तो बाबा ने कहा था तो देखो डायरेक्टर होता है डायरेक्टर डायरेक्शन देता है अपने जो भी काम करने वाले कर्मचारियों को तो काम करते डायरेक्शन देने का काम करते क्या भूल जाता है कि मैं डायरेक्टर हूँ काम करते भी याद रहता है ना अपना ऑक्यूपेशन तो हम ब्राह्मणों का ऑक्यूपेशन है ही क्या मैं आत्मा हूँ श्रेष्ठ आत्मा हूँ मैं विशेष आत्मा हूँ मैं परमात्मा की सन्मुख पैदा हुई ब्राह्मण आत्मा हूं हमारा ऑक्यूपेशन तो यही है ना वो क्यों बोलना चाहिए काम काज करते तो हमेश ये काम काज करते बीच बीच में चेक करो क्या होता है कई भाई बहने सुबह को अमृत वेला बहुत अच्छा चला नियम है नियम को बाबा का भी समय मुकर है तो बाबा की मदद भी होती है अमृत वेले बेचे क्योंकि हमारे लिए ये टाइम है ना भक्तों का पीछे टाइम है लेकिन खास बाबा का हमारे प्रति बच्चों के प्रति ये टाइम है तो इसमें मदद भी मिलती है बाबा की। क्लास तक ठीक होता है फिर काम काज में क्या होता है काम कोई बॉडी कॉन्शियस भी नहीं होते है कहेंगे नहीं कोई ये भी नहीं बॉडी कॉन्शियस भी नहीं थे देह भान में भी नहीं थे लेकिन कर्म कॉन्शियस में हो जाते जो काम करते हैं ना उस काम का ही कॉन्शियस रहता है एक्शन कॉन्शियस कर्म की कॉन्शियस हो जाता है कर्म में ही लग जाते हैं बस इसके लिए हमने पहले ग्रुप को भी कहा तो कम से कम बीच बीच में अटेंशन चेकिंग करो चेक करो चेंज करो हम देखो कितना बाबा का प्यार है हमारे दिनचर्या में बाबा ने पांच बारी ट्रैफिक कंट्रोल का टाइम रखा है करते हैं ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं जो नहीं करते है वो आते उठाओ बाबा ने हम लोगों को प्यार से ये ट्रैफिक पांच बारी सारे दिन में ट्रैफिक कंट्रोल का टाइम मुकरर करके दिया है हो सकता है कि कईयों के काम ऐसे हो समझो हमारा बारह बजे का टाइम है ट्रैफिक कंट्रोल का तो कईयों के काम ऐसे होता है जिसमें बारह बजे नहीं कर सकते हैं चलो साढ़े बारह करो ना कोई ये तो रही है कि करना नहीं है साढ़े बारह करो अच्छा साढ़े बारह नहीं कर सकते हो ग्यारह करो लेकिन पांच बारी ये बाबा का वरदान का टाइम है जैसे पांच बारी आपको बीच बीच में ये टाइम मिलता है अपने को चेक करने का कि मैं बॉडी कॉन्शियस हूं या सोल कॉन्शियस हूं मैं आत्मा हूं या देह भान में आ गया क्योंकि कर्म कॉन्शियस हो जाते हैं ना तो ये हमारे पांच टाइम अगर आप चेक करो तो आप सोचो चेक करके चेंज करेंगे तो आपका कितना कनेक्शन सहज हो जाएगा बार बार करने से और फिर दूसरा भी टाइम है बाबा कहता है आप सारे दिन में पांच बारी कुछ खाते या पीते हो करते हो सुबह को चाय पीते हो हाँ खुद ही पी लेते हैं। बाबा को याद नहीं करते हा? ऐसे नहीं कर रहा अच्छा चाय पीते हैं, नाश्ता करते हैं, फिर खाना दिन में लंच करते हैं, फिर शाम को चाय या टोली कुछ भी खाते हो फिर डिनर करते हो पांच बारी वो है पांच बारी ट्रैफिक कंट्रोल है पांच बारी खाना खाते हो गीता में भी है जो खिलाने वाला है उसको नहीं खिला के उसको नहीं याद करके खाते है तो चोर है ये शब्द है तो पांच बारी हम खाना पीना कुछ भी करते हैं, तो उस समय भी अगर हम याद करें अपने को चेक करें दस बारी हो गया सारे दिन में दस बारी सारे दिन में तो दो तीन घंटे के बाद चेक है और चेंज है अगर ये नियम हम रख दे अपना कि हमको दस ही बारी अटेंशन दे करके अपने को चेक करना है और चेंज करना है अगर बॉडी कॉन्शियस या कर्म कॉन्शियस हो गए काम काज में तो हमको चेंज करके सोल कॉन्शियस होना है तो आपकी अवस्था कितनी अच्छी रहेगी निरंतर नहीं हो जाएगा कोई भी कनेक्शन टूटा हुआ फिर जाए बैठ के उसमें टाइम लगता है लेकिन अगर थोड़ा लूज कनेक्शन टूटा नहीं आपका थोड़ा लूज हो गया उसको टाइट करने में टाइम नहीं लगेगा उसमें फायदा हो जाएगा तो कम से कम निरंतर बनाने के लिए फायदा अपने को पहुंचाने के लिए आपको ये दस टाइम अपनी चेकिंग करनी चाहिए और चेंज करना चाहिए हो सकता है कर सकते हैं अभी करेंगे हाथ उठाओ अच्छी तरह से करेंगे या हाथ उठा के बस चुप हो जाएंगे हा? ऐसे तो नहीं यहाँ की वहां, की वहां रही ऐसे नहीं करना मधुबन में तो याद किया फिर घर गए तो भूल गया वो दुनिया वाले कहते हैं ना गंगा गए तो गंगाराम जमुना गए तो जमुना राम ऐसे नहीं करना हा? अपने को अच्छी तरह से जब बाबा का बच्चा बना है तो पूरा वर्षा लेना चाहिए ना थोड़े में खुश होना माना भगत भक्ति में तो थोड़े में खुश हो जाते ना एक कार मिल गई बस भगवान हमारे ऊपर राजी हो गया गणेश हो गए या हनुमान हो गए लेकिन यहाँ तो पूरा वर्षा लेना है ना तो पूरा वर्षा लेने के लिए आपको अपने ऊपर अटेंशन रखना पड़ेगा और बाबा ने बहुत अच्छी बात सुनाई थी लोग कहते हैं हमको टेंशन है टेंशन है टेंशन है लेकिन बाबा ने कहा टेंशन के आगे ए लगाओ ऐड करो तो क्या हो जाएगा अटेंशन अटेंशन हो गया तो टेंशन कहां जाएगा खत्म स्विच ऑन हो गया अटेंशन रखो तो टेंशन खत्म हो जाएगी तो अटेंशन रखने के लिए यह विधि है दस वारी चांस है आपको दस चेकिंग करो चेंज करो फिर देखो आपकी अवस्था ये आज काम आ गया आज क्रोध आ गया आज लोभ आ गया आज मोह आ गया ये सब कुछ नहीं होगा क्योंकि अटेंशन है ना टेंशन आ ही नहीं सकता रोशनी है जब तक रोशनी है तब तक अंधकार रोशनी के साथ साथ थोड़ी होता है या तो अंधकार होगा या तो रोशनी होगी तो ये स्विच ऑन है अटेंशन अटेंशन का स्विच ऑन करो तो आप में कमजोरी माया का वार कभी भी नहीं होगा माया जीत बन जाएंगे और बाबा कहते घबराओ नहीं कई भाई छोटी सी बात होंगी ना बस वो जैसे नहीं कोई पहाड़ आके गिरा होगी चीटी लेकिन चीटी को पहाड़ बना देते हैं क्यों हुआ क्या हुआ कैसे होगा क्यों क्या क्या कह क्या, क्या, क्या मैं भाषा में मैं सभी ग्रुप को सुनाती हूँ मुझे बहुत अच्छी बात लगती है मम्मा की सिक्ख्या हम छोटे छोटे थे ना तो नौ दस वर्ष ग्यारह वर्ष के ही थे मेजोरिटी जब सभी आए थे तो मम्मा हमको छोटे बच्चों के माफिक शिक्षा देती थी मामा कहती थी देखो कभी भी माया आती है ना कोई भी प्रकार की माया या समस्या आती है उसमें क्या होता है क्वेश्चन उठता है ये क्यों हुआ, हुआ ये क्या हुआ ये कौन है मेरे को ऐसे करने वाला कहने वाला ये कैसे होगा ये कब तक होगा ये सारा कह 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 क्यों क्या कब कैसे कहाँ ये सब क्यों क्या है कह के आता है ना इसमें तो मम्मा हमको कहती थी कह कह कौन करते हैं कौवा तो आप कवा बन गई हा? हंस हो या कवा हो जब कह कह कहते हो ना क्यों हुआ क्या हुआ कौन है कब कब तक ये जो चलता है तो मम्मा कहती थी कवा बन गई कवा और हंस दोनों सामने रखो हंस अच्छा है या कौवा अच्छा है तुमको कवा बनना है या हंस बनना है कौन कहेगा कौवा बनना है सब कहते थे नहीं मम्मा हंस अच्छा है तो फिर कवा क्यों बनते और इसी में ही व्यर्थ संकल्प जाते है क्यों क्या कब कैसे इसी में ही इसी सोच में ही टाइम वेस्ट चला जाता है थॉट्स भी विचार भी वेस्ट और समय भी वेस्ट भाई क्यों क्या हो गया अज्ञान काल में भी कहते हैं तीर कमान से निकला वो वापस नहीं आ सकता है हो चुका उसका ही सोचते रहेंगे क्यों हुआ क्या हुआ एक मास के बाद भी वो व्यक्ति जो है जिसने आपको थोड़ा नीचे ऊपर किया वो आएगा वो ही याद आएगा ये वो ही है ना इसने ये कहा था ना भूलेंगे नहीं क्यों क्या इतनी प्रभाव होता है इसका माया है ना ये तो मम्मा कहती थी कवा नहीं बनो ना होली हंस बनो हंस कितना सफेद अच्छा लगता है हमारे सामने हंस आवे तो हम प्यार से देखेंगे कवा का का, का, का करता रहे कहेंगे ओरो तो इसीलिए अपने मन में भी ये क्वेश्चन करते रहते हैं ये क्वेश्चन करने की जरूरत ही नहीं है मुझे क्या करना चाहिए भविष्य क्या करूं वो सोचो जो हो चुका उसको सोचने से कोई फायदा नहीं पानी बिलोड़ रहे हो भाई ये जो दही होता है उसको दही को बिलोड़ो तो कुछ मक्खन निकले ना पानी को बिलोड़ने से क्या होगा और ही हाथ में दर्द पड़ जाएंगा ना इसीलिए ये क्यों क्या मे टाइम वेस्ट नहीं करो अच्छा समस्या कोई आ गई समस्या आती है उसका फायदा उठाओ क्यों आई क्या हुई पता नहीं क्या मेरा हिसाब है पता नहीं मेरा भाग्य छेद नहीं है और ये दिल शिकस्त हो जाते अच्छा समस्या आ गई कोई ने इंसल्ट कर लिया आपकी गाली दे दी चलो बेकार दी है नहीं आप दे दिया अच्छा आप यही सोचते रहेंगे गाली क्यों दी क्या समझता है ये मैं कोई कम हूं क्या मैं भी हूं अच्छा इस सोचने से क्या हुआ टाइम वेस्ट हुआ इससे ये सोचो कि मेरे में सहन शक्ति है या नहीं है और अगर कमी है मेरे में सहन शक्ति की तो उस सहन शक्ति को बढ़ा भविष्य सोचो पास्ट हो गया बीत गया उसको नहीं सोचो उसमें टाइम वेस्ट एनर्जी वेस्ट और दुख होगा गिरना दृष्टि आ जाएंगी उसमें सुख तो होगा ही नहीं ना और संगम युग थोड़ा सा टाइम मिला है हमको उसमें यही बातें सोचते रहेंगे तो आखिर अतिंद्रिय सुख का अनुभव कब करेंगे सत्युग में अति इंद्रय सुख नहीं होगा सुख होगा इंद्रय सुख नहीं होगा परमात्मा खुशी नहीं होंगी महान आत्माएं होंगे देव आत्माएं होंगे लेकिन परमात्मा का प्राप्ति का अनुभव नहीं होगा शिव बाबा तो न्यारा हो जाएगा ना? अभी तो परमात्मा का आनंद है प्रेम है प्राप्ति है वो अगर हम समय गमा देंगे तो फिर कब मिलेगा सारे कल्प में नहीं मिलेगा है ही अभी इसीलिए हमारा सलोगन है अब नहीं तो कब नहीं हम सोचे और तो जो भी पेपर होते हैं उनमें चांस होता है चलो भाई फेल हो गए ना तो दूसरे वर्ष पेपर दे के पास हो जाओ यहां तो ये भी नहीं है नहीं होंगे फिर फिर चांस मिलना ही नहीं है तो कितना अटेंशन रखना चाहिए कितना ध्यान देना चाहिए एक सेकंड भी नहीं गमाना चाहिए एक मिनट भी नहीं गमाना चाहिए व्यर्थ को तो खत्म करो फौरन बाबा कहते हैं ना बिंदी लगा दो बस ड्रामा में जो हो चुका फुल स्टॉप बीती सो बीती बीती से गुण उठा लो भाई मेरे में सहन शक्ति कम हुई मेरे में सामना करने की शक्ति कम है उसको मैं भर दो तो मम्मा हमको कहती थी जो भी ये समस्याएं आती है बातें आती है ये समझो हमको पाठ पढ़ा के जाती अभी कोई ने गाली दे दी मेरे में फिलिंग आ गई सहन शक्ति कम है ना मेरे को पता तो परा मेरे में सहन शक्ति कहने में तो सभी कहते हैं हाँ हम तो मास्टर सर्वशक्तिवान है मास्टर सर्वशक्तिवान है और सहन शक्ति है ही नहीं पेपर में तो फेल हो गए तो हमको समस्या को घबराना नहीं है समस्या में लेकिन ये सीखे कि मेरे में जो कमी है उसको मैं भर लू अच्छा हुआ चलो ये समस्या आई तो मेरे को बत, पता तो पड़ा कि मेरे में क्या क्या कमी उससे भी गुण उठाओ बाबा साकार में था ना तो हम हम सब को कहता था एक प्रसिद्ध है एक दत्तात्रेय था उस वो सभी को गुरु बनाता था तो मम्मा बाबा हमको कहते थे तुम समस्या को भी गुरु बना दो उससे भी पाठ पढ़ लो उससे भी सीख लो मेरे में कमी क्या है उस कमी को मेरे को भर समस्या को नहीं सोचते रहो हाय ये आया क्यों यहां दरवाजे बंद होता तो आता ही नहीं कहता ही नहीं देखा ये मेरा ड्रामा ये इसे क्या होगा फालतू तो। इसीलिए इसकी संभाल करो और टाइम का कोई भरोसा नहीं हमारी मम्मा थी ना ममा का एक स्लोगन बहुत पक्का था वो क्या था ममा कहती थी हर घड़ी अपनी अंतम घड़ी समझो अंतम घड़ी में देखो मुरली में भी था ना अंतम घड़ी में वो सुने नहीं सुने बेचारे को गीता समझ में आवे नहीं आवे फिर भी गीता पढ़ते रहेंगे वो बहरा हो तो भी पढ़ते रहेंगे अंत इसकी सोहाली हो जावे तो मम्मा कहती थी हर घड़ी अपनी अंतम घड़ी समझो अंतम घड़ी की स्मृति होंगी तो कितना अटेंशन जाएगा अलबेला पर नहीं आएंगे इसीलिए बाबा के घर में आए हो बाबा से मिलेंगे भी और संग भी बहुत बढ़िया मिला है वायुमंडल बहुत अच्छा मिला है इसका फायदा उठा करके बस ये अपने से प्रॉमिस करो बस मैं माया से घबराऊंगा नहीं लेकिन माया जीत बनूंगा माया का काम है अपना वार तो करेंगी ना इसलिए माया का काम है आना घबराना आपको और आपका काम है माया जीत बनना माया की बात देख करके घबरा करके अपना काम ही भूल जाते है भाई मेरे को जीत प्राप्त करनी है माया पर वो भूल जाता है माया की बातें ही सोचते रहते इससे कुछ ताकत नहीं आती इसीलिए क्या करेंगे आ? सावधान अटेंशन प्लीज टेंशन कदम अटेंशन तो अटेंशन देंगे तो फिर बाबा के दूसरे बारी आएंगे ना तो बाबा को कहेंगे बाबा हम माया जीत बन के आ गए <laughs> आ, बाबा को कौन से प्यारे बच्चे लगते हैं माया जीत वाले बच्चे अच्छे लगते ना बाबा समझते है मेरा एक बच्चा भी फेल नहीं हो एक बच्चा भी राजा नहीं बने तो बाबा को अच्छा नहीं लगता है। इसलिए बाबा कहते हैं मेरे सभी राजे बच्चे राजा बनो ना पिर्जा तो अभी भी तो पिर्जा है ना हम और ये जो अभी भी रहे पड़े है तो क्या कहते है? हम तो पिर्जा ही है ना नेता भी नहीं है राजा भी नहीं और वहां भी पिर्जा ही वहां तो बाबा के बच्चे है तो राजा बने ना तो राजा बनो लेकिन राजा वो बनेगा जो अभी स्वराज अधिकारी होगा अपने को समझ सकते हो मैं राजा बनूंगा या प्रजा बनूंगा अगर कोई भी कर्म इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल नहीं है आपका तो कभी राजा नहीं बन सकते है जिसको स्व के ऊपर राज करना नहीं आता वो विश्व पर राज क्या करेगा आज आंख ने धोखा दी आज मुख ने दिया आज कान ने दिया अगर कोई भी कर्मेंद्री धोखा देती है समझो राजा नहीं बने आपके पास ये है दर्पण है जिसमें देख सकते हो अपनी चिकन वो नारद को कहा था ना तो आईने में देखो तुम कौन हो जो लक्ष्मी को वरेंगे तो हमको बाबा ने ये स्वराज को चेक करो ये दर्पण दे दिए है दर्पण में देखो मैं राजा बनूंगा या प्रजा बनूंगा अगर स्वराज नहीं तो विश्व का राज नहीं इसीलिए स्वराज अधिकारी बनो जो बाबा का प्यार मिलता है उसको लो और बाबा के प्यार से पात्र बन करके बाबा से प्रॉमिस करो हम राजा बनने वाले हैं जरूर बाबा आपकी आशय पूर्ण करूंगा ओम शांति